सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल समायनस दुनिया ब्लॉग। और आज हम रेडी हुए, साड़ी पहने हैं, तो ये हम आप लोग को पूरा उठ के दिखाएंगे, बाद में दिखा देंगे, ठीक है। और अभी हम रेडी हुए रील्स के लिए हुए हैं, और यूट्यूब के लिए भी हुए हैं, सिर्फ रील्स के लिए नहीं बोलेंगे, यूट्यूब के लिए भी रेडी हुए हैं। तो ये मेरा एक नया गेटअप, जो हम साड़ी निकाले थे, ये कुछ ज़्यादा पुराना है नहीं, नया ही है, पहनते नहीं है साड़ी, बोल के सब रखा हुआ था, पर नया साड़ी है, 10 बार भी नहीं पहने होंगे अभी, ठीक। तो ये मेरा साड़ी, तो इसका अभी रेडी हो रहा है, हेयर स्टाइल कर रहे हैं, थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर ले, और चूड़ी का सोच रहा है, थोड़ा चूड़ी पहने इस पर, पर वही सोच रहा है कि इसमें चूड़ा चूड़ी पहने या फिर थोड़ा अपना चूड़ी पहने, तो चल रहा है। बाबू शायद उड़ गई, तो बाबू का भी मुझे फोटो शूट करना आज सोच रहे हैं, बाबू नहीं हुई है, हेयर स्टाइल देखते सिंपल से करेंगे, जल्दी से बहुत देर हो रहा है, भूख लगा, अभी तक लंच नहीं किया, कितना टाइम पड़ा, 5 बज चुका, बहुत मेरा यहाँ से नहीं होगा, मेरे यहाँ से नहीं, 5 से ज़्यादा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, बाहर अंधेरा पूरा। तो ये रेडी हुए, दिखाएंगे बाद में, तो चलो आप लोग सपोर्ट करो वीडियो मेरा। आप लोग के लिए बता दें कि एक मेरा शॉर्ट वीडियो, कल का मेरा एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है फिर से, तो मेरा 3 शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हुआ है, तो इसीलिए आप लोग जो कहोगे करने वही करेंगे। तो स्पेशली साड़ी पहने ना, साड़ी पहनने का रीज़न था मेरा, हम सूट पहनने वाले थे, साड़ी पहनने का एक ही रीज़न है साड़ी पहने, कि इंस्टा पे ना, इंस्टा पे एक आदमी मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि कमेंट्स मतलब मैसेंजर में रखता है, बोलते हैं कि मेरे गाने पे रील्स बनाई है, तो अब उनके एक फॉलो से मेरा इंस्टा में फॉलोवर्स बढ़ा है, उनके लाइक से मेरा वीडियो लाइक पे जा रहा है, वायरल हो रहा है मेरा इंस्टा में वीडियो, बहुत जल्दी इंस्टा पे भी ग्रो कर रहे हैं हम। तो इंस्टा पे अगर जो भी होगा यूट्यूब में देख रहे हो, तो थैंक यू आप लोग को भी, कि इंस्टा से जो भी यूट्यूब पे आ रहे हो, तो थैंक यू सो मच, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो का मतलब बोले वो हम पूरा करेंगे। तो आया क्या रील्स मतलब उनके गाने पे वीडियो बनाना, और उनका गाना पता है भोजपुरी है, पूरा का पूरा भोजपुरी है, और भोजपुरी इतना भोजपुरी है ना कि हम मतलब वो जो लाइनिंग है ना उनके गाना का, हम लाइनिंग कुछ भी हम पकड़ नहीं पा रहे, जो हम लिपसिंग भी करें कुछ उस पर एक्टिंग भी करें ना, हम उस लाइनिंग को पकड़ नहीं पा रहे, बहुत देर गाना को सुने उसके बाद कुछ लाइन पकड़ पाए, तो देखते हैं हम सक्सेस हो पाते कि नहीं उनके गाने पे, तो कोशिश रहेगा हम अच्छा करें। तो गाना भोजपुरी था, तो सोचे क्या गेटअप ले, क्या गेटअप ले, तो लास्ट में साड़ी का गेटअप लिया, और थोड़ा सा अलग ऐसा साड़ी हम मतलब इस क्या था बोले इस स्टाइल से साड़ी हम पहनते नहीं है, तो ये देख रहे हो ना पिंक जगह चुड़ी उड़ी लगा के ये किया, अच्छा लग रहा होगा पता है, पर ये सब नहीं करते ना, तो ये घर में है इसीलिए ये वाला ट्राई किया है, तो आगे का देखते हैं उनका गाना पे हम कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश अपना पूरा रहेगा। और यूट्यूब पे आप लोग भी कुछ भी कमेंट्स करो, तो मैं आप लोग के लिए भी यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगी, मेरे सर पे छत्ता बना रही है, तो इसीलिए बोले आप लोग भी यूट्यूब में कमेंट्स करो, तो मैं आप लोग का भी कमेंट्स का हिसाब से मैं पूरा करेंगे। ए बैक साइड कोम नहीं करेगी, बैक साइड कोम नहीं करेगी, फॉलो था तू पार्लर वाला चीज यहाँ नहीं करेगी भाई, बैक साइड कोम बिल्कुल नहीं, अरे ठीक है नहीं कर रहे, ध्यान नहीं बनेगी, बैक साइड कोम करना वो तो स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, पर हेयर के लिए बहुत ही मतलब बहुत नुकसान है, हेयर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पब बना रही है, पब बनाने के चक्कर में हेयर तोड़ता के रख देगी, तो ऐसे ही सिंपल सा करेंगे जो भी करें, देखिए भोजपुरी गाना है ना इसीलिए थोड़ा सा अलग सा थोड़ा चांप हो गया मेरे लिए, एक तो गाना का लाइनिंग नहीं समझ आ रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा गेटअप रहेगा तो शायद वीडियो में कुछ कर पाए, मैनेज हो जाएगा गेटअप से मैनेज हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा लिपसिंग बंद करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखते अपना पूरा रहेगा आगे का, ज़्यादा भोजपुरी में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि मुझे वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था लाइन, ऊपर से हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, पर क्या होता ना कि अगर वो मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, उनको पसंद है कि मैं उनके गाने पे वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपना सक्सेस को पूरा करेंगे, क्या बोलते हैं हार मानने वालों की क्या जीतने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, हार ही है ना, हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती है भाई, अलग बोलते थे नहीं अभी ठीक है ना, हार मानने वालों की जीत कहाँ से होगी, हार तो पहले ही मान चुके हैं, जीतने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो बताइएगा कैसा लग रहा है, हाथ बहुत दर्द हो जा रहा है, हाथ से फोन पकड़े ना, सारा दिन बोलता है पकड़ने, पैसे सारा दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाया इसलिए, क्योंकि सुबह से दिखा पाते हैं, सारी बात यहाँ पैसा क्लिप लेगा सिर पे भाई, दर्द हो रहा लग रहा चमड़ा में क्लिप मार दिए अपना, कौन सा क्लिप मारिए चुके देखे नहीं, बहुत जोर से लग रहा चमड़ा में ही मार दिया, ये वाला तो जो भी है दोनों ही लग रहा है, तो अभी बोले रहे थे कि सुबह से हम नहीं बना पाए इसीलिए, इधर से हंसका हुआ हंसका नहीं लग रहा, उसको हंसका है, तो सुबह से यहाँ से थोड़ा सा हेयर निकालेगी छोटा वाला, हाँ पता है, तो सुबह से हम नहीं बना पाए इसीलिए, क्योंकि सुबह से यहाँ पे मेरे घर में क्या, हम लोग का इधर में करंट नहीं था, करंट कितना बजे आया, एक दो बजे आया ना, पता है पानी भी नहीं था, जो नहा के रेडियो की वीडियो भी बनाए, खाना का काम प्रोसेस बाद में करेंगे, काम किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं था, बस जैसे वो ड्राई मतलब ब्रेकफास्ट रेडी किए और हम लोग खाए और हाथ धोने तक का पानी नहीं था, जो था मतलब भर के रखे तो उसी से काम चलाया, पानी भी नहीं था, जो रेडी हो जाए कुछ अच्छा सा ब्लॉगिंग भी करे बैठे बैठे, नहा ही नहीं सक रहे तो रेडी क्या हो, बस प्रॉब्लम ये पानी आया उसके बाद फटफट काम ठीक, क्योंकि लेट हो गया था, बहुत लेट से करंट आया, यही था रीज़न, और क्या करें, और रेडी होके भी क्या करते, वाईफाई जो मेरा बंद था ना, रेडी होके भी तो हम यूट्यूब के लिए बना लेते हैं, इंस्टा के लिए बना लेते हैं, लेट तो है ना, अभी चल मेरा रिचार्ज खत्म, फोन का रिचार्ज लग रहा है मेरा हेयर में किसी को हाथ देने नहीं देते, हम अपना हेयर का जो भी केयर खुद करते, बस एक बार इसको हाथ देने देते हुए स्मूथिंग करने के लिए,
उसके बाद वो भी क्या इसका ही, वो भी इसका ही फायदा था, इसका ही हार सेट करने के लिए अपना हेयर दिया थे। चलो ये रेडी हो रहा है, पूरा रेडी होकर दिखाएंगे। और हमको ज़्यादा मेकअप भी तो किए नहीं है, बस क्रीम और ये क्या बोलते थे कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा काज और थोड़ा सा ये नया लिपस्टिक जो लाए थे वो पहने। और ये कैसा लग रहा है मेरा मैचिंग, इस पर पहने ये थ्री लेयर का और आगे का इतना लंबा हेयर सामने मत रखो, लंबा नहीं रहेगा बाबा इसका ना, कुछ भी किया जाए जल्दी करो, बहुत लेट हो गया बाबू, उठ जाएगी ना फिर बाबू, फिर उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। हम अकेला कुछ भी करते ना मतलब रेडी होके, तो वो ऐसी रहती ना उसको पसंद नहीं आता, मतलब होता ना हम वीडियो पे फोकस कर रहे हैं तो उसको हम अगर 5 मिनट के लिए भी वीडियो बना रहे ना तो उसके साथ बोलना चाहिए, ऐसा वाला सीन है। और अभी तो उसको वीडियो बनाना खुद बहुत मज़ा आता है, फट से गाना चूज़ करती है, कैमरा ऑन करती है, बनाने शुरू कर देती है उसे, मतलब इतना फास्ट सीख गई है, देख देख के सीख, उसे भी सिखाया नहीं है, देख के सीख गई है, बगल में रहती है मेरे साथ बस। तो चलो ये तो है ही है ना, जो घर में फैमिली करेंगे वही बच्चे सीखते हैं, तो ऐसा तो कुछ ख़राब कर नहीं रहे हैं, तो सीख रही है तो अच्छा ही है, क्या बन रहा है पता नहीं। मेरा हेयर में बहुत बैंड बजने वाला है, हम जब ये सब खोलेंगे ना, हम कोम करते वक्त कितना गिट्टी लगने वाला है ना, सीरम नहीं है ना, हाँ तो फिर क्या छापे, तो तुम देख लेना ना कौन सा चॉकलेट है, तो फिर कोम करने से पहले फिर सीरम दे देना एक बार, नहीं सीरम ड्राई हेयर में नहीं देते। चलो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा थोड़े बाद फिर दिखा दे, बहुत बड़ा हो चुका। तो ये गाइस ये मेरा फाइनल लुक, बैंड बनाए हेयर स्टाइल को दिखाते हैं, आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये बनाई हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा बनाई है, इसको 3 में 8 देते हैं, 3 में 10 किसी को नहीं देते, मुझे कहाँ से मिलेगा फिर, तो वो तो बात ही अलग है भाई। ये साड़ी क्योंकि मैं दिखाती हूँ सही से, ज़्यादा सर सच के इसको नहीं पहने, बस इसको यहाँ से लपेटे हैं, इसका एक कमेंट क्या आया है ये लुक का एक कमेंट आया है, ये नहीं वो नहीं बोलते ना, वो बाबू बोले कमेंट किए बाबू एक, पर आप लोग बताओ हम कैसा लग रहा है तब बताएंगे कि बाबू क्या बोले थे, तो पहले आप लोग बताओगे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है तब बताएंगे, पक्का बताओ ना प्लीज़, कमेंट करना शुरू कर दो ना, अब अच्छा नहीं लगता है ना कि नहीं, कितना मेहनत कर रहे हैं एक वीडियो में दिख रहा है, दो घंटा हो गया होगा ना, तो साड़ी पहने, ऊपर से ये ब्लाउज ये पहनी थी, सिलाई करके रखी थी, इसको ठीक किए फिर इसको पहने, हम अभी ऊपर से ये हेयर स्टाइल बनाने में अभी इतना देर लगा, ऊपर से क्या बताया यहाँ पे कुछ और करना चाहिए थे फिर ऐसे करके आया, अभी फिर हम अभी ब्लॉगिंग बहुत बहुत खट्टी हुआ, प्लीज आप लोग अब कमेंट करना शुरू करो, और वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज शेयर करो अपने अपने, जिसने रेडी किया उसका लुक गजब का है, तो चलो प्लीज एक तो कमेंट कर दो। और मुझे बहुत भूख लगा, खाना नहीं खाया, पता कितना टाइम हो गया, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, और खाना खा के रील्स नहीं बनाएंगे वरना हम लिपस्टिक खा जाएंगे, दोबारा लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, पहले हम अपना काम कर ले पहले, और उसके लिए क्या करेंगे पहले पता, बॉडी में एनर्जी चाहिए था मुझे, तो उसके पहले हम ये खा लेते हैं, इसमें से बाबू लाए तो इसमें से खा के पानी पी लेते हैं, फिर बनाएंगे, फिर हम अपना खाना करेंगे। तो सोचो खाना भी नहीं खाया अभी तक, खाना दिखा है पूरा बर्तन देखो ऐसे भर भर के रखा हुआ खाना, देखो इधर सब्जी देखो दिखाते, सीम का सब्जी देखो दिख रहा कितना टेस्टी, सीम का सब्जी बनाए देखो, सीम का सब्जी पूरा वैसी है, चावल देखो आप लोग को पता चल जाएगा, हम बनाते हैं ना खत्म हो जाता, देखो हम ऐसा ही बनाते हैं ना, एक टाइम का खाना एक टाइम में खत्म हो जाता, मेरा सब खाना पड़ा हुआ, चावल दाल सब्जी सब पड़ा हुआ है। पहले हम आप लोग के लिए यहाँ पे हम पहले रील्स अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद कुछ फोटो क्लिक कर ले, कुछ रील्स बना ले, कुछ यूट्यूब के लिए कर ले, उसके बाद फिर बाबू का भी फोटो करेंगे ड्रेस चेंज करके, तो थोड़ी देर बाद फिर दिखाते हैं, पहले फोटो शूट थोड़ा सा कर ले, गर्मी लग रहा है मुझे, नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब बिना पंखा का नहीं रह, समझ सकते हो ना देखो कितना मोटा है ये पहन के, हम अभी हम बताओ रील्स बनाने पसीना आ रहा है मुझे, हेयर चिपक रहा है देखो, स्ट्रेट किया हुआ हेयर चिपक रहा है मुझे पसीना, चलो कुछ फोटोशूट कर लेते हैं उसके बाद फिर से दिखाते हैं, भूख लगा हुआ बहुत जोर से, देख के लग रहा होगा ना कि खाए भी नहीं, हम खाने पीने वाला इंसान है पता, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, प्यारा प्यारा सा कमेंट करो, और किसी को ऐसा गेटअप चाहिए ये भी, अगर किसी को जानना है किसी लड़की को कैसे कैसे साड़ी पहनने ये वाला हम, तो किसी को जानना है तो पूछ, मतलब कमेंट करो तो मैं आप लोग को बता देंगे ये वाला कैसे गेटअप किए, बाकी का आप लोग फिर आप लोग अपना देखो क्या कमेंट कर सकते हो, चलो हर हेयर स्टाइल देखना है किसी को सीखना है हेयर स्टाइल तो वो भी कमेंट करो, तो हेयर स्टाइल का भी वीडियो लाएंगे फिर, ठीक है हेयर स्टाइल का वीडियो लाएंगे, सोचो तो जल्दी से कमेंट करो किस किस को चाहिए हेयर स्टाइल का वीडियो, ओके तो चलो थोड़ी देर बाद फिर दिखा देंगे। सो हे गाइस काफ़ी थके हैं, और टाइम पता है कितना हो रहा है, देखो टाइम 8 बज रहा है, देखो 6, 7, 8 बज रहा है, बाहर देखो काफ़ी अंधेरा पता चलेगा, देखो 8 बज रहा है, बाबू का कपड़ा नहीं उठाए हैं अभी तक, इधर से लाइटिंग अच्छा आ रहा है, अभी तक बाबू का ड्रेस नहीं उठाया पता है, कपड़ा वो सूखा हुआ कपड़ा देख रहे हैं बिस्तर पे रखा हुआ, अभी बाहर से सूखा हुआ कपड़ा उठाएंगे, अभी घर का काम करेंगे, तो चलो और अभी हम ये ड्रेस चेंज करेंगे, पहले आप लोग के लिए मैं ब्लॉग डाल दूंगी, उसके बाद ही मैं शांति से बैठ के थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिर लगातार काम है मेरा, अभी से काम ही है काम है, सुबह से उठे बहुत काम, कैसा लग रहा है ईयरिंग मेरे ऊपर इस ड्रेस में, ज़रूर बताना ठीक है, और हम कैसा रेडी बताइएगा।
जो भी अच्छा लगे ना वो प्लीज कमेंट करो, प्लीज कुछ बातें लिख के कमेंट करोगे ना, वो आप लोग का जो बात है ना वो बात बाहर से सुनने से ना अच्छा लगता है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि हम और बनाए, बाहर से सुनने से सुनते हैं, बाहर से कमेंट्स आता है, बाबू के पास आता है कमेंट्स, बहन के पास आता है, भाई के पास आता है, भैया लोग के पास जाता है, तो अच्छा लगता है फैमिली में कुछ कमेंट्स कर रहे हैं जो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हम कुछ, उम्मीद क्या, किसी को आइडिया ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा करेंगे ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी। हम बहुत शर्माने वाले टाइप के लड़की थे और वाइफ भी थे, एक शर्माने वाले टाइप के, कुछ ज़्यादा शर्माते थे, ऐसा क्या बताया ना कि मुझे अगर भूख भी लगता था ना तो मैं जल्दी बोलती नहीं थी, ऐसा वाला शर्माते थे। सोचो कैमरे के सामने आना तो बहुत दूर का बात है, बाबू के साथ तो मतलब बहुत टाइम बाद हमें खुल के फोटो लेना शुरू किए थे, और एकदम हटाक से ना बाबू के लिए भी झटका झटके पे झटका मिले जा रहा है, मतलब हम वीडियो बना के हम यूट्यूब में बता पब्लिश कर रहे हैं अपना वीडियो को पूरा, मतलब जितना आदमी इस वीडियो को देखेगा उतना देख सकता है, कोई काउंटिंग नहीं है यहाँ पे। मेरा ऑलरेडी तीन वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो हुआ मेरा 2.5K व्यूज हुआ, एक ही वीडियो पे आया व्यूज, टोटल व्यूज नहीं बता रहे, वो अलग है मेरा। टीवी चला दे रहे, पहले आप जो खा रहे थे उसे खा लो जल्दी से, फिर हम टीवी चला दे रहे, थोड़ा देर रुक जाओ। चलो मायना को चाहिए, वो उसका टाइम हो गया है ना इसीलिए, तो आप लोग को बोल रहे थे। और दूसरा वीडियो हुआ मेरा 1.3K व्यूज हुआ है, दूसरा वीडियो यूट्यूब का वीडियो बोल रहे हैं, और कल का एक वीडियो फिर से मेरा वायरल हुआ है, वो आप लोग का ही प्यार और सपोर्ट से हुआ है मुझे पता है, पर ब्लॉग देखो तो और भी अच्छा लगेगा आप लोग को। शॉर्ट्स इसीलिए डाल लेना कि ताकि सबको पता चले, शॉर्ट्स जल्दी वायरल होते तो इसीलिए सबको पता चले कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे भी कोई देखो, मुझे भी कोई सपोर्ट करो, बस बोलने का मतलब यही है, इसीलिए शॉर्ट्स भी डाल लें। बहुत मेहनत हो रहा है, पता है सर फट रहा है अभी, मेरा खुद का ही देखो ना, ड्रेस चेंज करना है, ठीक करना है, बच्चे को देखना है, देखो ना मैंने फिर क्या कर दिया, सब बदमाशी, बहुत गर्मी लग रहा है, बिना पंखा का देख रहे हो ना, बिना पंखा का ब्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, आप लोग ना प्यारे प्यारे से कमेंट्स करो, फिर बहुत ही और भी अच्छा लगेगा, और बहुत ही फास्ट चेंज हुए अपने लाइफ में कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेरे पास यही एक ऑप्शन था, ऑप्शन मतलब मेरा बेबी को कोई नहीं देखता, मैं खुद देखती हूँ अपने बेबी को, और ये मेरा छोटा सा जो घर है ना इसको भी मैं खुद ही देखती हूँ, घर का ए टू जेड मैं देखती हूँ, जो भी नए आ रहे हो ना जिसे पता नहीं उन्हें बता रही हूँ, और ये मेरा छोटा सा बच्चा देखो, ये मेरा बच्चा को इधर देखो, ये मेरा बच्चा है, इसको भी मैं ही खुद अकेले देखती हूँ, मेरा एक तो इससे भी बड़ा एक बच्चा है जो बाबू है मेरा, उन्हें भी मैं ही देखती हूँ, उसके बाद में यूट्यूब को भी देख रही हूँ, हमें बताओ तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत है, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना, थोड़े थोड़े से आपके बात पढ़ेंगे ना कि आप लोग को कैसा लग रहा है, कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है आप लोग का, वो कमेंट्स पढ़ने के बाद ना फिर और भी अच्छा लगेगा। बाहर से आ रहे कमेंट्स इसलिए तो और बना रहे, इतना मेहनत कर रहे, आप लोग का कमेंट्स यहाँ नहीं आता है, लेकिन बाहर से जो आ रहा है ना उस कमेंट्स के मुताबिक हम और अच्छा कर रहे ब्लॉगिंग, बताओ धीरे धीरे और भी अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो चलो आप लोग भी कर दिया करोगे ना, अगर YouTube का मतलब ब्लॉग्स के नीचे जो कमेंट आते हैं ना उसका मायने ही कुछ अलग होता है बाहर से ज़्यादा यहाँ का मायने, बाहर तो उसके बाद भी आ जाएंगे आप ही लोग अगर जो हो जो मतलब मुझे नहीं जानते हो फिर मुझे YouTube से पहचाने हो जो लोग। अच्छा बताओ आप लोग मुझे रस्ते में देखोगे तो मुझसे बात नहीं करोगे, करोगे ना, अगर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग बात करना चाहोगे तो मुझे देखोगे तो रोकोगे ना कि हाँ दीदी रुकिए ना आपसे बात करना, लाइव सामने मिलेंगे तो है ना, तो ऐसा तो होता है ना जिसे पसंद करते हो तो सामने मिल जाए तो बात करते ही है, तो समझो ना कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम आपके बारे में अभी नहीं जानते, जिस दिन मिलेंगे उस दिन जान जाएंगे आपके बारे में भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो तब ना आप लोग के बारे में और भी जानेंगे, मेरे बारे में मैं पूरा वीडियो बना के दे रही, तो चलो आप लोग अब सपोर्ट करो, और अभी बहुत काम है मेरा, हम इस काम को नहीं दिखा सकते, अगर जिसको देखना है कि मेरे इसके बाद भी हम क्या करते हैं, अगर जो नए नए आ रहे हो ना अगर किसी को देखना है तो प्लीज़ कमेंट्स करो कि हाँ इसके बाद का भी दिखाइए मुझे, एक दिन में दो ब्लॉग तो मैं एक दिन में दो ब्लॉग भी दूंगी आप लोग को, तो जल्दी से सब कमेंट्स करो, ये भी ऑप्शन है आप लोग के लिए कि इसके बाद का मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ वो भी दिखाऊंगी आप लोग को, अकेले हूँ मैं अभी, अभी बाबू आएंगे बहुत लेट रात को आएंगे, तो चलो ये ब्लॉग का एंड करते, बहुत बड़ा हो गया है, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये मेहनत मेरा अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो चलो इसके बाद मेरा और भी मेहनत ऑफ कैमरा उसे कर लेते हैं पहले, हाँ बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।